दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए 2 BHK का एक ऐसा फ्लैट लेके आया हूँ, एक ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को घर के बाहर 60 फीट की रोड मिल जाती है, प्लस अगर बात की जाए आसपास की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। प्लस बात की जाए 2 BHK फ्लैट के अंदर आपको 2 रूम मिल जाते हैं यहाँ पे, प्लस एक मास्टर बेडरूम के अंदर वॉशरूम अटैचमेंट मिल जाता है एंड एक आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू देखते हैं इस फ्लैट का, उसका डिटेल में हम इस फ्लैट के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों के यहाँ इस साइड से। तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट आपका रूम मिल जाता है जो कि आपका सेकेंडरी रूम रहेगा। ये आपका मास्टर बेडरूम नहीं है, यह आपका सेकेंडरी रूम रहने वाला है। ये आप लोगों का डाइनिंग स्पेस एरिया है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। प्लस बात करते हैं किचन कहाँ रहेगा, तो किचन आप लोगों का इधर लेफ्ट हैंड में रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं आप लोगों के कॉमन वॉशरूम की। तो इस साइड आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेसियस ये फ्लैट रहने वाला है दोस्तों आप लोगों का। अब आ गए हम लोग अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। ये आप लोगों का मास्टर बेडरूम है जहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो ये जो 2 BHK फ्लैट है बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में अवेलेबल है। आप लोगों को ये लेना है तो जल्दी जल्दी आप कॉल कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, पर पहले एक रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी जरूर देखें क्योंकि डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये आ जाएंगे आप लोग, ये आप लोगों का बालकनी एरिया है, बाहर का व्यू देखेंगे तो अच्छा खासा आपको बाहर का व्यू देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन आप लोगों का स्वागत करता हूँ 11 मार्ट होम यूट्यूब चैनल में। ये जो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखाया है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी लोकेशन में। चलिए अब डिटेल्स में इसको जानते हैं, प्लस इस वीडियो में एंड तक बने रहे, हर एक डिटेल की जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ ये क्या अप्रूव्ड फ्लैट रहने वाला है, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। चलिए बात करते हैं आउटसाइड व्यू की यहाँ की। तो जो आउटडोर व्यू आपको मिलता है इस बिल्डिंग के अंदर, जी हाँ ये देख पा रहे हो 3 मंजिल की आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। बिल्डिंग के लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आप लोगों को आगे तरफ आपका रास्ता बंद है, बट राइट हैंड साइड देखोगे तो ये आपके सामने जो रोड है 60 फीट की है और बिल्कुल सामने रामलीला सोसाइटी आपको मिलती है और यहाँ पे आपको पार्क भी मिल जाता है। ये आप लोगों का लोबी एरिया है, काफ़ी अच्छे स्पेस में, एक फ्लैट सामने तरफ है, एक फ्लैट आपका इस साइड है। इस फ्लैट को मैं जो दिखा रहा हूँ इसी फ्लैट के अंदर आप लोग अपने सपनों का घर बसाने वाले हैं। तो चलिए अंदर की तरफ आ जाइए। ये आप लोगों का ड्राइंग सेक्शन एरिया रहने वाला है, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस में आपको ये देखने को मिलता है। बात की जाए स्पेस की, कितना स्पेस ये आपको मिलता है, तो नॉर्मली ये 12x12 का स्पेस आपको मिलता है ड्राइंग स्पेस। प्लस बैक साइड मेरे देखेंगे ये टीवी पैनल हमने लगा के दिया हुआ है जहाँ पे लाइटिंग का सेटअप आपको अच्छा खासा मिलता है। स्टोरेज सेक्शन भी आपको यहाँ पे हम बना के दे रहे हैं जिसके अंदर आप लोग अपना डेकोरेटिव सामान रख सकते हैं या फिर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रख सकते हैं। ये अभी हम पूरा फिनिशिंग करके देंगे, ट्यूबलाइट ऊपर देखने को आपको मिल जाती है। तो स्पेस वाइज तो बहुत अच्छा है, पर बात की जाती है फॉल सीलिंग की, क्योंकि हर फ्लैट की फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस फ्लैट की फॉल सीलिंग अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से डबल टोनिंग के साथ हमने फॉल सीलिंग इसकी दी है, बीच में फैन लगा हुआ है और दोनों साइड आपको झूमर देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पे लाइट्स हैं बल्ब लाइट्स जो है आपकी वॉल माउंटेड है, चारों तरफ देखोगे तो आपको वॉल माउंट लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत है, आपको पसंद आई होगी। चलिए बात करते हैं आप लोगों के सेकेंडरी रूम की। ये आके हम आप लोग के सेकेंडरी रूम के अंदर स्पेस की बात करूं तो ये जो आपका रूम है 10x10 का है, काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको अलमीरा हमारी ओर से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लैट के अंदर जितनी चीज़ें अभी आप देख रहे हो जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलने वाली हैं। सबसे पहले अलमीरा की यहाँ साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ साइज़ मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 10 इंच के आसपास के साइज है। वुडन वर्क है ये पूरा पूरा और स्पेसियस स्पेस आपको मिलता है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। बात की जाती है आपके सेकेंडरी रूम के फॉल सेलिंग की, तो फॉल सेलिंग एज इट इज़ बाहर के डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है। फैन हमेशा ब्रांडेड ही आपको देखने को मिलता है और देखोगे लाइटिंग जो वॉल माउंट्स लाइट्स हैं आपको चारों तरफ देखने को मिल जाती हैं। तो इस फ्लैट के इस वाले रूम में आपको ये देखने को मिलता है कि जो कॉन्सेप्ट हमने रखा है एज इट इज़ इस फ्लैट का पूरा एक ही बेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो वॉल यहाँ पे जो डोर्स आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, क्रेडा के यहाँ पे ब्रांडेड डोर हम आपको लगा के दे रहे हैं जो कि आपका ISI अप्रूव्ड रहने वाला है। तो ड्राइंग एरिया के बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा,
कि इस रूम के अंदर आपने एक चीज़ मिस किया होगा जो कि आपका यहाँ पे देखोगे लैम्प, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है ये आपके रूम को, आपके फ्लैट को, आपके ड्राइंग स्पेस एरिया को। बाकी आप यहाँ अपना सोफ़ा वगैरह भी आराम से 7 सीटर लगा सकते हैं। आ जाइए आप लोग अपने किचन की ओर। तो ये आप लोगों का किचन सेक्शन रहने वाला है। हमारे पास 2 BHK के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको और भी ऑप्शंस देखने हैं तो स्क्रीन के नीचे जो एक नंबर आ रहा है इस साइड में, वहाँ पे कॉल करके आप हेलो करिए, आपको और भी इमेजेस यहाँ की शेयर की जाएंगी जो कि आपको 100% पसंद आएगी। ये आप लोगों का पूरा किचन सेक्शन एरिया है। 2 लोग आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्बल की बात करें, डबल टोनिंग डबल लेयरिंग मार्बल आपको मिलता है यहाँ पे। डबल कटिंग के साथ ये मार्बल रहेगा, फर्स्ट कटिंग ये रही, सेकंड कटिंग ये रही। स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। टाइल्स का वर्क आप लोगों के यहाँ पे हमने करके दिया हुआ है। यहाँ सारे स्विचिंग के ऑप्शन है। इस साइड आपका ये देखेंगे तो आप अपना RO लगा सकते हैं। टैप्स वगैरह की फिटिंग हमने पहले से करके दे दी है, जो भी थोड़ा मोड़ा काम रह गया फिनिशिंग यहाँ पे होगी। पानी वगैरह का सप्लाई चालू कर दिया गया है। गैस लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी आप चाहते हैं, प्लस वाटर की बात करूँ तो आपको समरसेबल मिलता है, प्लस आपका गंगा जल बोर्ड का कनेक्शन भी आपको यहाँ पे कराना है तो वो भी मिल जाएगा। ये आप देखोगे तो ये आपका स्टोरेज सेक्शन कैबिनेट एरिया है। यहाँ से ओपन करें तो ये देख सकते हो अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, प्लस लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पे हमने लाइट वगैरह भी लगा के दिया हुआ है। तो अभी से हम बंद करते हैं और ऑलमोस्ट सभी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। ऊपर की तरफ भी स्पेस अच्छा है, फॉल सीलिंग में देखोगे तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा वॉल माउंट लाइट लगाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ये आपका अगेन लॉबी सेक्शन एरिया है, इसमें भी स्पेस आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 4x6 का साइज आराम से देखने को मिल जा रहा है। रेफ्रिजरेटर आप इस साइड में लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे हम लाइट लगा के देने वाले हैं। ये पूरी एक पूरे डबल टर्निंग जो वर्क हो रखा है इसके अंदर आपको लाइटनिंग देखने को मिलने वाली है। आ जाइए आगे की तरफ, बात करते हैं आप लोगों के कॉमन वॉशरूम की। तो ये आप लोगों का कॉमन वॉशरूम है, ये भी पूरा फिनिश कर दिया गया है। सिंक वगैरह आपको यहाँ पे लगी हुई मिल रही है प्रॉपरली। टैप जैसा बोलते हैं टैप भी हम यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। शावर आपको मिल रहा है, इस साइड गीजर के कनेक्शन को जो टैप्स होते हैं वो मिले हुए, प्लस पावर प्लग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको वेस्टर्न शीट मिल जाता है, सारे सारे यहाँ पे आपके जेट वगैरह लगे हुए हैं ऑलरेडी है। टाइल्स की सबसे अच्छी बात क्या रखी है हमने कि इस बार हमने पूरा वॉल तक का टाइल रखा है। फॉल सीलिंग अंदर देखोगे तो सेम वही वॉल माउंट गोल वाले लगा के हमने आपको दिए हुए हैं। आ जाइए अब आप लोगों के मास्टर बेडरूम में हम आ जाते हैं। ये रहेगा आप लोगों का मास्टर बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, साइज की बात करें वही सेम साइज 10x10 के अंदर का ये साइज रहने वाला है। एंड फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बिकॉज ये है मास्टर बेडरूम, तो मास्टर बेडरूम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलती है। फैन देखोगे ब्रांडेड है, अगेन लाइटिंग जो दी है वॉल माउंट लाइट लगे हुए, चारों तरफ आपको लाइट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ट्यूबलाइट हमने लगा के आपको दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का मास्टर बेडरूम का साइज वगैरह हो गया। प्लस अब बात करते हैं यहाँ पे जो अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। ये साइड आपको सिंक मिल रहा है, यहाँ पे भी अगेन शीट लगी हुई है, जेट वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं, यहाँ पे जो पानी कनेक्शन अभी भी चालू है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था, और यहाँ पे टैप्स वगैरह लगा हुआ है। स्पेस वाइज आपका यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। चलिए आ जाइए मैं आपको बाहर के साइड दिखा देता हूँ, बालकनी एरिया, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ देखने को मिल जाती हैं। आ जाइए, ये आप लोगों का रहेगा बालकनी सेक्शन एरिया, काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपका वॉशिंग सेक्शन एरिया हो गया, पानी वगैरह कनेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे भी चालू है, यहाँ पे स्विच हमने लगा के दिया हुआ है तो आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख के अपना क्लीनिंग सेक्शन कर सकते हैं। SS की यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं। बात करते हैं फ्रंट साइड व्यूज़ की अगेन, तो जैसे मैंने बोला 60 फीट की आपको यहाँ पे रोड देखने को मिलती है। इस साइड से आपका ये क्लोज है राइट हैंड साइड, और बसावट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये पूरा गेटेड लॉक रहेगा, देख सकते हैं गेट लगा हुआ है, और बिल्कुल सामने रामलीला सोसाइटी आपको देखने को मिल जाती है। फ्लैट आपने देख लिया, बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की। तो ये जो फ्लैट है आपका, मैंने आपको बताया DLF अंकुर विहार दिल्ली NCR के अंदर मिलने वाला है। कनेक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे मिल जाता है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे से लगते हुए रहने वाला है। और बात की जाती है मेट्रोज़ की, मेट्रो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और होना भी चाहिए,
तो आपको यहाँ पे दो मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा शिवयार मेट्रो स्टेशन, सेकेंडरी आपका रहेगा खजूरी का मेट्रो स्टेशन, जो कि अभी वर्किंग में है पर बहुत जल्दी इस साल के अंत तक रनिंग में हो जाएगा। एंड बात की जाती है आप लोगों के बस वगैरह की, तो बस कनेक्टिविटी, ऑटो कनेक्टिविटी सारी मिल जाती हैं खजूरी से। अब इन सब चीज़ों के बाद मेन पार्ट स्टार्ट होता है आप लोगों के अमाउंटिंग का, कि कितने रुपए में ये 2 BHK का फ्लैट आपको मिलने वाला है। हमारे पास जो 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग है 16 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ये तो मैंने आपको एल शेप स्टाइलिंग दिखाया है, बट हमारे पास इससे भी अच्छे अच्छे 2 साइड कनेक्टिविटी, 2 साइड ओपन और भी बहुत सारे ऑप्शन है। उनकी इमेजेस के लिए, उनकी डिटेल्स के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये 2 BHK फ्लैट पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।